निर्माण का स्वागत है। मैं हूं दीपेश तिवारी। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। भोपाल में ईद उल अजहा पर सजदे में झुके सर, अमन चैन की वाणी दुआ। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार पर प्रदेश अध्यक्ष बोले, मैं नहीं हूं कतार। दो मौत और 10,000 घरों में डेंगू लार्वा फैलने के बाद जागर निगम की कार्रवाई। ढोल में विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकले भगवान। विदिशा में मंडी सुरक्षा गार्ड की चौकस निगाहों ने बचाई लाखों की सोयाबीन। भोपाल में ईद उल अजहा पर्व पर ईद की नमाज अदा करने हजारों की तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग ईदगाह पहुंचे। वहां नमाज अदा कर अमन शांति की दुआ मांगी। कुर्बानी के जज्बे का त्यौहार ईद उल अजहा शनिवार को पूरी अकीदत के साथ मनाया गया। सुबह ताजुल मस्जिद सहित शहर के लगभग 150 से ज्यादा मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। नमाज में समाज, प्रदेश और दुनिया में अमन चैन की खुशहाली और तरक्की की दुआ मांगी गई। इस दौरान मुख्य नमाज ईदगाह के शहर काजी मुश्ताक अली नदवी ने अता करवाई। उसके बाद मुस्लिम परिवारों में घर घर कुर्बानी कर अपना फर्ज अदा किया। कुर्बानी का सिलसिला अजान तक जारी रहेगा। शहर की विभिन्न मस्जिदों में ईद की नमाज के बाद मुस्लिम बंधुओं ने एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी। ईद का जुलूस इमाम चौक पर सुबह 8:30 बजे शुरू हुआ और विदिशा रोड होते हुए ईदगाह पहुंचा। ईदगाह पर बड़ी संख्या में बच्चे भी पहुंचे। इस दौरान यहां नए नए रंग बिरंगे कपड़ों में सजे बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। ईद का जुलूस इमाम चौक पर सुबह 8:30 बजे शुरू हुआ और विदिशा रोड होते हुए ईदगाह पहुंचा। ईदगाह पर बड़ी संख्या में बच्चे भी पहुंचे। इस दौरान यहां नए नए रंग बिरंगे कपड़ों में सजे बच्चों का उत्साह देखते बन रहा था। नमाज के बाद इमाम साहब ने देश में अमन और खुशहाली की दुआ अल्लाह से मांगी, जिस पर नमाजियों ने बुलंद आवाज के साथ आमीन कहा। मुस्लिम धर्म के अनुसार कुर्बानी को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा गरीबों को दान दिया जाएगा, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों बहन बेटियों के लिए होगा, तीसरे हिस्से का इस्तेमाल कुर्बानी करने वाला परिवार करेगा। इस तरह 3 दिन दावतों का सिलसिला भी जारी रहेगा। सामूहिक कुर्बानी में जुटे सैकड़ों लोग आर्थिक रूप से सक्षम लोगों, जहाँ बकरीद के मौके पर महंगे महंगे जानवरों की कुर्बानी दे रहे हैं, वही शहर की कई संस्थाओं ने सामूहिक कुर्बानी का आयोजन भी किया है। इससे गरीब परिवार भी सस्ते में कुर्बानी का फर्ज अदा कर सकेगा। शहर में कई जगह सामूहिक कुर्बानी का इंतजाम किया गया। वहीं विदिशा समेत सीहोर, रायसेन, राजगढ़, गुना, अशोकनगर में भी सद्भावना से ईद उल जुहा का पर्व मनाया गया। इसके अलावा विदिशा समेत सीहोर, रायसेन, राजगढ़, गुना व अशोकनगर में भी सद्भावना से ईद उल जुहा का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर विदिशा में ईदगाह सहित सभी मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। अमन की दुआओं के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी और फिर कुर्बानी दी गई। ईद की नमाज के बाद ईदगाह के बाहर आए बुजुर्ग हनीफ मोहम्मद ने कलेक्टर अनिल सुचारी, SP विनीत कपूर सहित ADM, एडिशनल SP, SDM सभी को 10-10 रुपए ईदी के रूप में फेंक दिए। अल्लाह अकबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार पर प्रदेशाध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा है कि कौन कौन मंत्री बनेगा यह सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही जानते हैं। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बने रहने की जो जिम्मेदारी दी गई है वह उसे पूरा करेंगे। केंद्र में मंत्री बनने के सवाल पर नंद कुमार ने कहा कि यह फैसला मेरा नहीं केंद्रीय नेतृत्व का है। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं उसे निभा रहा हूं। मैं ना केंद्र में मंत्री बनना चाहता हूं ना मुख्यमंत्री बनना। देखिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है नर्मदा नदी और मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा सेवा यात्रा प्रारंभ की और हमारे संगठन ने भी नमामि देवी नर्मदे प्रकल्प का गठन किया। ये प्रकल्प जो है ये प्रकृति संरक्षण के लिए काम करेगा। नर्मदा के अलावा और मध्य प्रदेश की नदियों के संरक्षण के लिए अलग अलग स्थानों पे समाज सेवी लोगों के साथ मिलकर नदी संरक्षण, जल संरक्षण, वाटर बॉडीज और वृक्षारोपण, इस प्रकार के प्रकृति से जुड़े हुए कामों को ही हाथ में लेकर काम करें। अखबार और मीडिया के आधार पर चल रही है, कौन बनेगा ये तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मालूम है और बनते समय सब सामने आएंगे। मध्य प्रदेश के अधिक से अधिक लोग बने ये मेरी कामना है, मेरी इच्छा है और कल सब नामों का खुलासा हो जाए। शहर में डेंगू से हो चुकी दो मौतों के बाद आखिरकार नगर निगम जाग गया है। हमने ने शुक्रवार को एक घर से डेंगू लार्वा मिलने पर पहली बार जुर्माना किया। हालांकि पहले जुर्माने के लिए नगर निगम ने दो मौतें और 10,000 घरों में डेंगू लार्वा फैलने का इंतजार किया। कार्रवाई करते हुए निगम के महावली नगर में रहने वाले ईएम मैथ्यू पर 1,000 रुपए का जुर्माना किया गया। साथ ही लार्वा सर्वे कर रही टीमों को यह हिदायत दी गई कि यदि किसी व्यक्ति के यहाँ पर लार्वा मिले तो उसको समझाइश दें, दोबारा मिलने पर उस पर लार्वा मिलने का जुर्माना किया जाए। गौरतलब है कि 55 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में हैं। जिले में 1500 से ज्यादा घर ऐसे हैं जिनमें से 2 से 3 बार सर्वे के दौरान डेंगू के मच्छर का लार्वा मिल चुका है। 1 जनवरी से अब तक 12 लाख घरों में डेंगू के मच्छरों का लार्वा सर्वे हुआ है, जहाँ 10,000 घरों में डेंगू के मच्छर व लार्वा मिला। इस दौरान 10 लाख कंटेनर देखे गए, वहीं 12,000 बर्तन ऐसे मिले जिनमें डेंगू के मच्छरों का लार्वा था। लार्वा से मच्छर बनने के बाद आसपास के 400 मीटर के दायरे में आने वाले घरों में लोग डेंगू की चपेट में आ सकते हैं। ढोल ग्यारस पर ढोल और नगाड़ों की थाप, दूर तक गणपति बप्पा मोरिया का जय घोष, हजारों भक्तों का हुजूम, फूलों की बारिश, आसमान से सतरंगी गुलाल, इन सबके बीच चांदी का भव्य सिंहासन और उस पर विराजे श्री गणेश। यह नजारा था भोपाल के प्रथम गणेश की सवारी का। शनिवार को ढोल ग्यारस के उपलक्ष पर पुराने शहर में निकले विशाल जल समारोह के दौरान भक्त गणपति बप्पा को विदाई के साथ अगले कलश दिया की गुहार लगा रहे थे। हजारों लोग पुराने शहर की सकरी गलियों से निकले, भव्य जुलूस के साक्षी बने। भोपाल के राजा के आगे हजारों लोग ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरक रहे थे तो विशेष रूप से आमंत्रित कलाकार भी अपनी कला से भगवान को प्रसन्न कर रहे थे। इस दौरान ऊंट, घोड़ों और आकर्षक झांकियों के साथ 100 से ज्यादा आकर्षक ढोल लोगों को लुभा रहे थे। समारोह में विभिन्न मंदिरों और समाजों के ढोल भी शामिल हुए। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणपति बप्पा को घर घर में विराजित किया गया था। साथ ही शहर में लगी 500 से ज्यादा झांकियों में बप्पा विराजित किए गए थे। इसके साथ 7 दिनों तक भगवान श्री गणेश की आराधना में श्रद्धालु लीन रहे। साथ ही झांकियों में 4 भुजाधारी के दर्शनार्थ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता रहा। ढोल ग्यारस के साथ ही गणेशोत्सव का समापन शुरू हो गया। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणपति बप्पा को घर घर में विराजित किया गया था। साथ ही शहर में लगी 500 से ज्यादा झांकियों में बप्पा विराजित किए गए थे। इसके साथ 7 दिनों तक भगवान श्री गणेश की आराधना में श्रद्धालु लीन रहे। साथ ही झांकियों में 4 भुजाधारी के दर्शनार्थ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता रहा। ढोल ग्यारस के साथ ही गणेशोत्सव का समापन शुरू हो गया। वहीं सीहोर में ढोल ग्यारस पर्व पर ढोल में विराजमान होकर भगवान नगर भ्रमण के लिए निकले। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भी ढोल में विराजमान भगवान की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। ढोल ग्यारस पर्व पर सीहोर के नरसिंह मंदिर से भव्य कांच का ढोल में आकर्षक विद्युत सज्जा लोगों को आकर्षित करती रही। इसी प्रकार बड़खेड़ी स्थित बड़ा मंदिर से पीतल के विमान में विराजमान होकर भगवान नगर भ्रमण को निकले। भगवान के नगर भ्रमण के दौरान उनकी पूजा अर्चना कर आरती उतारने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इस दौरान पूरा नगर भगवान के जयकारों से गूंज उठा। इसके अलावा सीहोर की नगर पंचायत कोठड़ी में शनिवार को आकर्षक झांकी भी निकाली गई, जिसमें ढोल में सवार होकर भगवान कृष्ण भ्रमण पर निकले।
या उनके पीछे कर्तव्य दिखाते हुए कलाकार और डीजे की धुन में थिरकते श्रद्धालु भी रहे। यह दृश्य जिसने भी देखा वह देखते ही दंग रह गया। मंडियों में हो रही लगातार लापरवाही के बाद एक और मामला विदिशा से सामने आया है। दरअसल विदिशा में सुरक्षा गार्ड की चौकस निगाहों ने लाखों की सोयाबीन चोरी होने से बचा ली। जानकारी के अनुसार कृषि उपज मंडी में एक फर्म से गुरुवार की रात सोयाबीन भरकर ले जा रहे एक ट्रक का चालक और क्लीनर कृषि उपज मंडी गेट के बाहर होते ही ट्रक की नंबर प्लेट बदलने लगा। दरअसल विदिशा में सुरक्षा गार्ड की चौकस निगाहों ने लाखों की सोयाबीन चोरी होने से बचा दी। जानकारी के अनुसार कृषि उपज मंडी में एक फर्म से गुरुवार की रात सोयाबीन भरकर ले जा रहे एक ट्रक का चालक और क्लीनर कृषि उपज मंडी गेट के बाहर होते ही ट्रक की नंबर प्लेट बदलने लगे। इस करतूत को मंडी के सुरक्षा गार्ड ने देख लिया तो उसने व्यापारी को सूचना दी, जिस पर व्यापारी वहां पहुंच गए तो लाखों रुपए का सोयाबीन उड़ा ले जाने की कोशिश करने वाले चालक और क्लीनर के मनसूबों पर पानी फिर गया और वे ट्रक छोड़कर भाग गए। दो दिन तक ट्रक मंडी में खड़े रहने और उसके मालिक का पता नहीं चलने पर शनिवार को व्यापारियों ने कोतवाली में मामले की शिकायत। इस संबंध में अनाज तिलहन व्यापार संघ अध्यक्ष राधेश्याम महेश्वरी ने बताया कि गुरुवार को मंडी परिसर स्थित देवेंद्र ट्रेडर्स के यहाँ गुडविल ट्रांसपोर्ट से आए ट्रक में 24 टन सोयाबीन भरा गया था, जिसकी कीमत करीब 7.5 लाख है। यह माल इटारसी की एक फर्म के पास जाना था। दिन भर माल भरने के बाद रात करीब 11:30 बजे ट्रक जैसे ही मंडी के गेट से बाहर निकला तो उसके चालक और क्लीनर नंबर प्लेट बदलने में लग गए। उन्हें यह करते देख मंडी के सुरक्षा कर्मी ने देख लिया और व्यापारी को बुला लिया, जिस पर चालक से पूछताछ की तो उसने जो कागज दिखाए उसमें ट्रक के नंबर कुछ और थे, जबकि ट्रक में लिखे हुए नंबर कुछ और। अपने को पकड़े जाता देख चालक और क्लीनर वहां से भाग गए। इसके बाद दूसरे दिन शुक्रवार को ट्रक के चेसिस नंबर और कागज में लिखे चेसिस नंबर को देखा गया, जो अलग अलग थे। ट्रक वाले फर्जी हैं और ये यहाँ नंबर प्लेट वगैरह बदलने की कोशिश करके माल को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक सुरक्षा गार्डों ने और कुछ गेट पास वालों ने एक दो व्यापारियों ने भी इस पर नज़र करी और उनको रोका। फिर उसकी बाकी सारी तलाशी ली गई और जब उनसे पूछताछ की गई तो स्पॉट से ही ड्राइवर और क्लीनर दोनों गायब हो गए। प्रदेश में हो रहे कार्यों को लेकर कांग्रेस और भाजपा में श्रेय लेने की होड़ कम होती नहीं दिख रही। इसी के चलते शनिवार को अशोकनगर में कांग्रेस कमेटी ने अंडरब्रिज निर्माण के लिए सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किए गए प्रयासों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने रखा। इसके साथ ही उनके द्वारा रेल मंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को किए गए पत्र व्यवहार की कॉपियां भी उपलब्ध कराई गई। यहाँ जिला कांग्रेस अध्यक्ष गजराम सिंह यादव एवं प्रवक्ता जयप्रकाश अग्रवाल ने बताया कि सांसद सिंधिया ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु से अंडरब्रिज को लेकर 3 बार व्यक्तिगत मुलाकात की और 3 पत्र लिखे। इसके अलावा एक पत्र रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को लिखा और एक पत्र मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को भी लिखा। रेलवे ने 2 मीटर ऊंचे सबवे के निर्माण के लिए सहमति जताई थी, लेकिन इसका निर्माण राज्य सरकार द्वारा कराए जाने की बात कही गई थी। आप क्यों नहीं गए, जिला कांग्रेस क्यों नहीं गए मिलने? नहीं, उन्हें बुलाया था, किसी को नहीं बुलाया, किसी ने नहीं बुलाया। नहीं, इस जब भाजपा मिलने जा सकती है, अपना पक्ष रख सकती है, ज्ञापन दे सकती है, तो आपको किसने रोका है? मेरी बात सुनो, जब आपके सांसद रेल मंत्री से मिलने वहाँ जा सकते, अरे उनका निरीक्षण से कुछ भी है, आम जनता से मिलने की बात तो कर सकते हैं, आम जनता अपनी बात का ज्ञापन तो दे सकती है। ये कहना सही है, परंतु क्या है, हमारे लिए अभी कोई अधिकृत सूचना नहीं थी कि अगर वो निरीक्षण के द्वारा या उसके लिए आए। भोपाल में हबीबगंज स्टेशन के बाहर शनिवार को बसों का जाम लग गया। जानकारी के अनुसार हबीबगंज स्टेशन के बाहर सिटी बसों की धमाचौकड़ी ने यात्रियों के साथ ही BRTS से गुजरने वालों को परेशान कर रखा है। यहाँ ट्रेनों के समय यात्रियों को बैठाने के लालच में बसों को स्टेशन के बाहर खड़ा कर दिया जा रहा है। 7 मीटर की रोड पर 4 मीटर की बस खड़ी हो जाने से लोगों को महज 2 से 3 मीटर का ही स्थान मिल पाता है, जिससे वाहनों की लाइन लग जाती है। हैरत है कि इस स्थिति के बावजूद कोई पुलिस
कर्मी इन्हें यहां से हटा करें। ऐसा ही मामला आज शनिवार को भी हबीबगंज स्टेशन के सामने देखने मिला। केंद्र सरकार की हाउसिंग फॉर ऑल योजना में के तहत आवास बनाने की डीआरपी पर नगरीय निकाय के जिम्मेदार अधिकारी गंभीर नहीं है। यही वजह है कि समय सीमा खत्म होने के बावजूद डीआरपी नहीं बनाई गई है। सूत्रों के अनुसार जो डीआरपी बनाई भी गई है वो भी काम टालने की तरह ही थी। ऐसे में भोपाल नगरी प्रशासन सचिवालय ने सभी को डीआरपी के साथ भोपाल बुला लिया, जिससे यहाँ नगरीय निकायों के सीएमओ की भीड़ लग गई। वहीं नगरीय प्रशासन के ईएनसी प्रभाकांत कटारे ने बारी बारी से सबसे बात की। सीहोर के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन केंद्र के अंतर्गत विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए शनिवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कैरियर मार्गदर्शन श्रृंखला में मध्य प्रदेश लोक सेवा द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयनित निशा बांगरे ने छात्र छात्राओं को सफलता के मंत्र दिए। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत और सतत प्रयास आपको अपने लक्ष्यों तक निश्चित रूप से पहुंचाते हैं। आप समय प्रबंधन एवं समर्पण से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान संस्था के छात्र छात्राओं ने कई प्रकार के प्रश्न भी किए, जिनका उत्तर एवं उचित समाधान निशा बांगरे ने दिया। यहां उन्होंने सभी विद्यार्थियों को योजनाबद्ध प्रकार से प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विभिन्न स्तर की तैयारी किस प्रकार करें इसके बारे में विस्तार से समझाया। साथ ही कहा कि नियमित रूप से समाचार पत्र अवश्य पढ़ें, जिससे उनकी जानकारी अपडेट होती रहे। IIT के लिए जो आपने 6th से लेके जो पढ़ाई की हुई है वो सारी ही काम आती है, क्योंकि वैसे तो विभिन्न शहरों में पार्किंग को लेकर लोग लगातार परेशान ही रहते हैं। ऐसा ही एक मामला भोपाल में भी सामने आया है। दरअसल भोपाल शहर के न्यू मार्केट में पार्किंग के नाम पर इन दिनों बड़ी गड़बड़ी चल रही है। यहाँ सिर्फ एक लाइन ही पार्किंग की अनुमति होने के बावजूद तीन तीन लाइनों में पार्किंग की जा रही है। इसके साथ ही कर्मचारियों के पास वर्दी और आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं है। जब इस बारे में यहाँ के कर्मचारियों से बात की तो पता चला कि गाड़ी के अंदर रसीद कट्टा और पहचान पत्र रखा हुआ है। बाजार में सिर्फ टीटी नगर थाने की और वाली लाइन में ही निगम ने पार्किंग की अनुमति दी है, लेकिन यहाँ चारों ओर से पार्किंग शुल्क के नाम पर वसूली हो रही है। एक अनुमान के अनुसार यहाँ रोजाना लगभग 30,000 रुपए की अवैध वसूली चल रही है। बारिश के दिनों में डैमों का खतरा होने के बावजूद प्रदेश में कई जगह अधिकारी अभी भी इसको लेकर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सीहोर से भी सामने आया है। सीहोर शहर के टाउन हॉल के पास मूर्ति विसर्जन करने स्टॉप डैम के गेट लगाकर पानी जमा किया गया है। कुछ दिन पहले गेट लगने से अब डैम के ऊपर पानी बहने लगा है। उसके साथ ही नहाने आने वाले बच्चों का तांता भी यहाँ लगना शुरू हो गया है। छोटे छोटे बच्चे डैम में छलांग लगाकर नहा रहे हैं, जिससे हादसे का अंदेशा बना हुआ है। इसके बावजूद जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बताया जाता है कि इस मार्ग से अफसर जनप्रतिनिधि भी निकलते हैं और उनके सामने भी ऐसा कुछ खुलेआम होता है, इसके बाद भी इस ओर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं दिख रही है। इससे पहले भी यहाँ कई लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले ही आष्टा के बालाखेड़ा निवासी नाबालिग की तालाब में डूबने से मौत हो गई थी, लेकिन जिम्मेदार है कि कुंभकर्णी नींद में सोए हुए। क्या आपने कभी किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के बेटे की कोई दुकान देखी है? नहीं ना? तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह की फूलों की दुकान। जी हाँ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह की फूलों की दुकान बिट्टन मार्केट शोरूम का उद्घाटन 3 रोज पहले ही किया गया है। यहाँ कई तरह के महंगे किस्म के फूलों की श्रृंखला रखी गई है। दुकान संचालक कार्तिकेय सिंह समय समय पर यहाँ आकर काम देखते हैं। फिलहाल व्यवसाय को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।
परयुष्वर पर सीहोर में श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर छावनी में गरबा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें समाज की युवतियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और गरबा खेला। याद हो कि परयुष्वर महादिराज के अवसर पर दस लक्षण धर्म की तपस्या व साधना की जाती है। कार्यक्रम के दौरान सुबह श्री जी के अभिषेक, शांति धारा, नित्य नियम पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुनि श्री ने बताया कि उत्तम तप धर्म पतन से उत्थान की ओर बांधने के नाम तपस्या है। इस अवसर पर मुनि श्री ने बताया कि उत्तम तप धर्म पतन से उत्थान की ओर बांधने का नाम तपस्या है। कर्मों के क्षय करने के लिए साधना करना तपस्या है। मन की इच्छाओं आकांक्षाओं को जला देना ही तपस्या है। विषय भोगों के प्रति उदासीन होने का नाम भी तपस्या ही है। जब आत्मा में संयम का जागरण होता है तभी व्यक्ति तपस्या को अंगीकार करता है। उन्होंने कहा कि घर में किया जाने वाला परमात्मक तप लौकिक तप है और आत्मा को लक्ष्य पर किए जाने वाला तप आध्यात्मिक अलौकिकता है। शाम को श्री जी की आरती और श्री पार्श्वनाथ जैन युवा मंच व महिला मंडल द्वारा आयोजित फैंसी ड्रेस कंपटीशन में बच्चों ने भाग लिया, जबकि गरबा प्रतियोगिता में भारी संख्या में युवक शामिल हुए। गणेशोत्सव के दौरान शहरों में जगह जगह झांकियां लगी हुई हैं। इस दौरान की गई जगह जगह साज सज्जा लोगों को लगातार आकर्षित कर रही है। ऐसा ही कुछ नजारा विदिशा शहर में भी देखने को मिला। दरअसल गणेशोत्सव के चलते विदिशा शहर में जगह जगह एक से एक बढ़कर झांकियां लगाई गई, जिन्हें देखने के लिए शाम होते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगती है। वहीं कई झांकियों की आकर्षक विद्युत सज्जा भी की गई है, जिसके चलते रात होते ही कई गलियां और सड़कें रंग बिरंगी रोशनी में झिलमिल भी नजर आती है। विदिशा के तोपुरा में लगी झांकी की गणेश प्रतिमा को सबसे बड़ी प्रतिमा माना जा रहा है। यहाँ करीब 300 मीटर से अधिक दूरी तक सड़क के दोनों ओर घरों पर रंग बिरंगी विद्युत झालरें लगी हुई हैं, जिसके चलते शाम होते ही यहाँ का नजारा देखने लायक हो जाता है। चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी नजर आती है, जिसे देखने के लिए शहर भर से नागरिक रात में यहाँ आते हैं, जिसके चलते रात होते ही शहर में लगभग हर तरफ रोशनी ही रोशनी नजर आती है। इसी प्रकार राजीव नगर स्थित झांकी में भगवान श्री गणेश तृतीय सती के साथ विराजमान है, जबकि दुर्गा नगर की झांकी में भगवान गणेश की बड़ी ही आकर्षक प्रतिमा रखी हुई है। सीहोर की शासकीय कन्या कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से शनिवार को नदी जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इसके तहत नदी अभियान के लिए मानव श्रृंखला बनाकर जागरूकता अभियान चलाया गया। जागरूकता के लिए सड़क पर पहुंचकर नागरिक राहगीरों को पंपलेट बांटे गए, वहीं स्टिकर चस्पा कर अभियान को मजबूत बनाया गया। इस अवसर पर प्राचार्य ने समस्त स्टाफ और छात्राओं को नदी जल प्रदूषण से बचाव के उपाय एवं हरियाली के संबंध में समर्थन की शपथ भी दिलाई। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पत्रिका बुलेटिन। नमस्कार।